श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक में फूल बनना और दीपक की लौ का पूरा जल जाना बहुत ही सौभाग्य की निशानियां होती हैं। भगवान क्या संकेत देते हैं और उन्हें आप पूजा के दौरान किस तरीके से धन्यवाद कर सकते हैं, और आपको अगर आपके घर में दीपक में फूल बनता नज़र आए या दीपक की बाती अंत में पूरी ही जल जाए, सफ़ेद सी हल्की सी राख रह जाए, तो इसका क्या संकेत होता है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। भगवान किस ओर आपका इशारा करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं तो आप इस वीडियो को देख करके पूरा जान सकते हैं कि आपके घर में दीपक में फूल बन रहा है और दीपक जलने के बाद में राख बच जाती है दीपक में, तो उसका क्या अर्थ होता है, आपको क्या संकेत मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। यदि दीपक में फूल बनता है तो बहुत ही सौभाग्य की निशानी होती है। भगवान संकेत दे रहे हैं कि उनके आपके द्वारा पूजा की गई स्वीकार कर ली है, आपने सच्चे मन से ईश्वर की पूजा की है। यह संकेत होता है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। भगवान आपसे यह कहना चाहते हैं कि भगवान की पूजा सकारात्मक भावना से करनी चाहिए और यह हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। आप यह जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई बाती में कालिक क्यों नहीं बची, बाती का थोड़ा सा हिस्सा क्यों नहीं बचा, वह जलने के बाद थोड़ी सी राख सफ़ेद कलर की छूट गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके घर में ऐसा 3-4 दिनों तक रेगुलर होने लगे तो आप समझिए कि आपके घर में भगवान आपकी सुनने वाले हैं, आपकी पूजा स्वीकार करी जा रही है। आप जिस भी कामना से भगवान को दिया बाती करते हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, और वह प्रार्थना आपकी भगवान तक पहुंच रही है और उसे भगवान देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए सवाल हो या फिर आपके घर से जुड़े हुए कोई समस्या हो, उसके समाधान के लिए अगर आप दीपक में ऐसा बदलाव देखते हैं तो आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है, आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, या फिर आप किसी और कारण से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिले। आप एक सच्चे इंसान हैं, अगर किसी का भला चाहते हैं, आपका हृदय बहुत ही पवित्र है, आपकी भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भगवान आपकी भक्ति को मान रहे हैं, आपके आसपास और आपके परिवार में ईश्वर आपकी छत्र छाया आप पर बनाए रखेंगे, आपकी इच्छा भी पूरी होने के संकेत देता है यह दीपक में बदलाव। दीपक की लौ आपको अगर दक्षिण दिशा की ओर जलती हुई दिखती है, टेढ़ी हो जाती है अपने आप बाती, तो आप ऐसा होने ना दें। सबसे पहले अपने घर की बाती दीपक में जलती हुई अगर दक्षिण दिशा की ओर झुकता देखें तो उसे सीधा करें। दक्षिण दिशा की ओर अगर बाती झुकती है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है, घर में अकाल मृत्यु का संकेत माना गया है या दुर्घटना का संकेत माना गया है। अगर उत्तर की ओर बाती झुक जाती है तो यह संकेत होता है कि आपको आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, धन संबंधी परेशानियां सुधरने वाली हैं, धन का आगमन होने वाला है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। और अगर आपको पूर्व और पश्चिम की ओर बाती जलती हुई नज़र आए तो यह बहुत ही शुभ मानता है और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने का संकेत होता है। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ बुराई चल रहा है, आपका मन उदास रहता है, तो आप भगवान के सामने सुबह और शाम को गाय का घी इस्तेमाल करें और उससे आप प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर बाती जलाकर आएं, या फिर अपने घर में तुलसी के पास या घर के अंदर मंदिर में आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और कोशिश करें कि जिस भी दीपक में आप बाती जला रहे हैं उस दीपक को आप अपने हाथ से निर्मित करें, यानी आटे का दीपक जरूर बना करके उसमें बाती डालें, फिर आप उसके प्रज्वलित करें और देखें कि आपके घर में अगर कोई अशांति छाई हुई है,
7-8 दिन अगर आप रेगुलर यह उपाय करके देखें, आपके घर में तुरंत ही समाधान मिलेगा। आपके घर की अशांति दूर होगी, जो भी परेशानी चल रही है आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। आपके चेहरे पर खुशियाँ आ जाएंगी, आप अपनी गुमसुम स्थिति को सुधार सकते हैं। आप 7-8 दिन तक यह उपाय करके ज़रूर देखें। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को नज़रदोष हो गया है या किसी की तबीयत खराब है, बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो आप अपने घर में नित प्रतिदिन जो दीपक को प्रज्वलित करते हैं, जिसमें आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें बाती जलाते हैं, उस दीपक को आप उठा करके एक बर्तन में पानी भर करके 5 मिनट के लिए डाल दीजिए और उस पानी से आपको उस व्यक्ति को स्नान करवा देना है। एक बार के स्नान में ही वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। ऐसा आपको 3-4 दिन प्रतिदिन तक करना है। वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा जो बीमार है। और आपके घर आदि रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष का पानी भी पिला सकते हैं। दर्शकों, और भी कई उपाय हैं जो दीपक और दीपक की लौ से जुड़े हुए हमारे पास आते हैं और उनका समाधान हम आपको बताते हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। आप इन उपायों को जरूर करिएगा। आपके हृदय बहुत दयावान हैं तभी आपके घर में इस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी दीपक में दिल की आकृति बनी हुई नज़र आती है, कभी दीपक की लौ में फूल बनता नज़र आता है, कभी कभार दीपक में चट चट की आवाज़ भी आती है। यह बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। आपके दीपक में यदि फूल बनता नज़र आता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। तो दर्शकों, भगवान से जुड़ी, आस्था से जुड़े कोई से भी ऐसे संकेत दिखते हैं आपको तो घबराएं नहीं, यह संकेत बहुत ही शुभ होते हैं। यह समझिए कि भगवान आपको किसी न किसी जरिए इशारा कर रहे हैं आपके आसपास होने का। तो आप मन में कुछ भी संदेह पैदा ना कीजिएगा। आपको ऐसे बदलाव दिखे तो तुरंत भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी समस्या चल रही है उससे प्रार्थना कीजिए, भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। भगवान सुन रहे हैं तभी तो ये बदलाव हो रहे हैं। आप और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।